वेलकम बैक टू माय चैनल इशारा एंड मैं हूं स्मृति। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। आज की इस वीडियो को, ये जो वीडियो मेरी है आज की, वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि अपकमिंग वेडिंग है, वेडिंग सीजन चल रहा है। तो आज की वीडियो मैं लिपस्टिक से रिलेटेड लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल हो, अच्छा लगे आपको मेरा ये वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहो। और आप कर सकते हैं मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे। इसके पहले जो है मेरा गिव अवे वाला ही वीडियो आया था, आई थिंक दैट अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो प्लीज देखिए और उसके रूल्स देखिए और प्लीज उस पर पार्टिसिपेट करिए, भर भर के पार्टिसिपेट करिए, जिससे कि आप लोग भी अपना जो गिफ्ट है, मे भी हो सकता है उनमें से आप भी एक विनर हो। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आप और मैं मिलके। तो यहाँ पे मैंने सोचा ना कि मैं ऐसा कोई वीडियो अभी तक नहीं लेके आई हूं, तो चलिए कुछ नया वीडियो लेके आऊं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ लिपस्टिक्स हैं जो कि रेड कलर की हैं, और जो रेड कलर की लिपस्टिक होती है ना, ट्रस्ट मीडिया, वो हमेशा ट्रेंड में रहती है। आप किसी भी सीजन पे लगा लो, और विंटर सीजन में वो तो सोने पे सुहागा, जिसको आप बोलो ना, उसका काम करती है, सोने पे सुहागे का काम करती है। आपने सब कुछ तैयार हो गए हो, सब कुछ आपने लगा लिया है, बट जब तक आपने लिपस्टिक अप्लाई नहीं किए ना, सब बेकार है, सब फीका है। खाली एक लिपस्टिक है कि आपके चेहरे पे वो चार चांद लगा देती है। और ये लिपस्टिक जो है वो इंडियन और ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे बहुत ज्यादा सूट करेंगी, और वेडिंग में तो हर कोई इंडियन ही कपड़े पहन के जाता है, कोई वेस्टर्न क्लोथ कैरी नहीं करता है। साड़ी, सूट, लहंगा, लांचा, शरारा, गरारा, कुर्ती, यही सब लोग कैरी करते हैं। और इन सब के साथ अगर रेड लिपस्टिक कैरी कर ली है तब तो कहने ही क्या, मजे ही आ जाने हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं किस कलर की लिपस्टिक, रेड में भी कई शेड्स होते हैं, टोमेटो रेड होता है, ब्लड रेड होता है, एप्पल रेड होता है, ब्रिक रेड होता है, कि कौन सा शेड मैं लूं, कैसा लूं जो मुझ पे अच्छा लगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो लिपस्टिक कैरी की है वो सामने से देखने से कुछ और लगती है, बट जब वो कैमरे पे कैच होता है ना तो थोड़ी सी स्लाइटली सी डिफरेंट कलर आता है। कौन कौन इस बात से एग्री करता है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेशन में। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिपस्टिक्स जो मेरे पास है, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट कुछ लिपस्टिक्स ऐसी हैं जो मेरे पास है और बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है, बट ऐसा नहीं है कि वो चीप है या सस्ती है तो आपके लिप्स को ड्राई कर देंगी या आपको अच्छे से रिजल्ट नहीं देंगी या आपके लिप्स पे क्रैक्स आ जाएंगे या चैप्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब की सब सस्ती तो है बट बजट फ्रेंडली भी है, बट काम वो लोग महंगी लिपस्टिक्स को भी मात दे रही हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लिपस्टिक मैंने इस समय कैरी की हुई है, ये लिपस्टिक है आई एम स्टैम्प की, जो कि मैंने अभी अप्लाई की हुई है इस समय। और देखिए मैंने इससे पहले वाला वीडियो भी शूट किया, बिल्कुल भी स्मच प्रूफ है और कहीं भी टस से मस नहीं होने वाली। मैं कितना भी खा पी लूं, ऑयली शॉयली कुछ भी खा लूं, यार टस से मस नहीं होने वाली है। और ऐसी पैकेजिंग में आती है, मैं रिव्यू तो नहीं कर रही हूं तो फिर बता दूं थोड़ा सा कि ऐसी पैकेजिंग पे आती है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पर्पल पे मिलेगी और आपको कहीं नहीं मिलेगी। सारे लिपस्टिक्स की जो भी मैंने खरीदी है यहाँ पे, जो भी है सब मैंने, वैसे तो मैंने लोकल मार्केट से भी कुछ खरीदी थी बट मैंने उनको इसमें ऐड नहीं किया कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जो मैंने ऑनलाइन खरीदी थी वही मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूं, जिससे कि आप भी उसको ले सको। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये है ब्लड रेड टाइप की है, और इसका शेड नंबर है, ये है आई एम स्टैम्प की, और ये शेड नंबर 14 है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये 100 रुपीज के अंदर आ जाएंगी। आई थिंक दैट जितनी भी मैं लिपस्टिक आपको दिखाऊंगी वो 100 रुपीज के अंदर है, मतलब 100 रुपीज में ही आपको 125 या 150 पे करना होगा, इससे ज्यादा नहीं। हर लिपस्टिक की परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, एक बार आप चेकआउट जरूर करिएगा जो आपको अच्छी लगे। साथ ही साथ मैं आपको डेमो भी देती चलूंगी, तो जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले तो ये वाली जो लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है तो वो तो आप लोग देख ही रहे हो, तो उसमें कंफ्यूजन की तो कोई बात नहीं है यार। और ये कुछ इस टाइप से है, और ये फेयर स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन एंड डस्की स्किन टोन, तीनों पे अच्छी लगेगी, तीनों पे कमाल करेगी, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सही है।
नेक्स्ट लिपस्टिक भी आई एम स्टैम की है, ये है, बट ये आपको कैमरे में कुछ पर्पल टाइप की दिख रही है, बट ये पर्पल नहीं है। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो बहुत ही सुंदर सा ये मॉव और यू नो कुछ उस टाइप से कलर आएगा, मॉव कलर आएगा, कुछ पिंकिश टोन पे आएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। और ये जो है वो डस्की स्किन टोन पे कमाल कर देगा। अगर आप डस्की स्किन टोन पे या मीडियम स्किन टोन पे हो, आप ये वाली जरूर अप्लाई करो, बहुत ही कमाल का लुक आता है। और ये मतलब रेड शेड पे ही आ जाएगा। और ये शेड नंबर है, शेड नंबर 12 है इसका, ये शेड नंबर 12 है, आई एम स्टैम की ये वाली लिपस्टिक है, ये शेड नंबर 12 है। ये पुरानी जब चलती थी ये उस समय की, और इन्होंने ये एक नई लॉन्च की हुई है, ये उस समय की है, बट ये पुरानी है। और इसका इसका शेड है 12, यस दिस इज शेड नंबर 12। तो इसकी भी मैं परचेज लिंक दे दूंगी, आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा। आपको मैं हैंड स्वेच करके दिखा देती हूँ कि ये किस टाइप से है, लेट शो यू। बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये मॉव कलर आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, आप देख लो। ये पर्पल उस पर बिल्कुल नहीं आता है, बहुत ब्यूटीफुल सा कलर आता है, मॉव कलर है। तो आई थिंक दैट आपको ये एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप यू नो बहुत डीप रेड में नहीं जाना चाहते हो, बहुत ही डिसेंट लुक चाहते हो, बट यू ऑल्सो वॉन्ट सम डार्क कलर, देन यू विल डेफिनेटली गो फॉर इट। ये है आपकी आई एम स्टैम की शेड नंबर 12, बहुत ही ब्यूटीफुल है जैसा कि आप देख सकते हो। और लिक्विड लिपस्टिक है, कहीं टच से मस नहीं होने वाली है। नेक्स्ट मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी की, और इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी। देखो मैंने आपसे कहा था कि मैं ना ऐसे नहीं, फिर भी मैं लेके बैठ गई यार, सॉरी। तो लेकिन अगर आप लोकल मार्केट में कहीं जा रहे हो, कहीं मतलब आपको लेना है, तो ये है स्विस ब्यूटी की शेड नंबर 1 रशियन रेड, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये बुलेट लिपस्टिक है, और विंटर के लिए ये बहुत ही सही है, क्योंकि समर में तो यू नो बह जाती है, तो मैं समर में तो उसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करती, बट विंटर में ये कमाल कर देती है। और इसकी पैकेजिंग एंड हर चीज देखो यार, कितनी डिसेंट है। बट सॉरी यार, ये 100 रुपीज में नहीं, ये मैग्नेट लगा हुआ, ये आई थिंक दैट इज आपको 200 और 300 रुपीज के बीच में मिलेगी। और यहाँ मैग्नेट लगा है, आप इसको ऐसे छोड़ो, ऐसे बंद हो जाती है, मतलब आप यहीं से छोड़ दो, बिल्कुल अच्छे से लॉक हो जाती है, ट्रैवल फ्रेंडली है। और ये यू नो फेयर स्किन टोन वालों पे गजब ढाती है, गजब ढाती है। और ये बिल्कुल यू नो आप इसको बोलो टमाटरी रेड होता है ना, ये वो कलर है। और इसको आप जब आप अप्लाई करोगे, इट इज सो स्मूथ ऑन योर लिप्स ऑल्सो, इट इज सो स्मूथ। ये आप देखो, आप देख सकते हो, ये बिल्कुल यू नो टोमेटो रेड कह लो या ब्लड रेड कह लो, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। बस हाँ ये है कि स्मच प्रूफ नहीं है, और सर्दियों में जैसे अगर आप जा रहे हो, कुछ खा पी रहे हो, तो थोड़ा सा वॉश ऑफ हो सकती है, तो आप इसको रीअप्लाई कर लो, बट आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखती है। और हल्की सी शीन है इसमें, जैसा कि आप देख सकते हो, इट इज सो ब्यूटीफुल कलर, आपके लिप्स पे ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। तो थर्ड वन ये है, और शेड नंबर है 1 रशियन रेड। आप जरूर, अगर आप लोकल मार्केट में या मॉल में आपको दिख जाए, मिल जाए, तो आप जरूर इसको ले लीजिएगा, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मेरे पास है ये एनवाई बे की लिक्विड लिपस्टिक, ये है एनवाई बे की लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 10 क्रैंकी रैंकी। ये भी बहुत ही सुंदर सी लिपस्टिक है यार, मतलब ये आपको रेड में ही कुछ ऑरेंज टोन देती हुई आएगी, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है नाइट टाइम में, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ये मैंने अपने मेकअप में भी यूज किया था, तो सब लोगों ने काफी कॉम्प्लीमेंट दिया था। दिस वन इज, ये है रेड कलर इसका, और ये है शेड नंबर 10, दिस इज शेड नंबर 10 क्रैंकी रैंकी, ये वाला है, कहा जा रहा है ये है। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा, और ये ना कुछ रेड में ही आपको कुछ हल्का सा यू नो ऑरेंज टच लिए हुए होगा, तो ये भी यू नो डस्की स्किन टोन वालों पे और मीडियम स्किन टोन वालों पे ये बहुत अच्छा लगेगा, ये वाला कलर, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और सारी लिपस्टिक सब अंडर 100 है। नेक्स्ट मेरे पास है ये डार्लिंग इसाबेला की रेड लिपस्टिक शेड नंबर 5 रीगल रेड रॉयल्टी, और सबका मैंने रिव्यू किया हुआ, आई थिंक दैट इसका तो मैंने रिव्यू किया, सबको बहुत पसंद आई थी। और ये भी कुछ इस टाइप से रेड कलर में है,
जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ पे रेड कलर है और ये कुछ कहाँ दिख रहा है, सॉरी दिख ही नहीं रहा है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये कलर है, ये कलर है, देखिए आप, ये वो ब्यूटीफुल सा कलर आता है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर, रेड कलर आता है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और ये भी ना, ये कुछ, ये रेड कलर ना कुछ पिंक टोन को कैरी करता है, ये पिंक टोन को थोड़ा कैच करता है, तो ये जो है ये फेयर स्किन टोन वालों पे बहुत ही गजब आएगा, जिसकी फेयर स्किन टोन है ना उसके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मेरे पास है NYB की बुलेट लिपस्टिक शेड नंबर 17, बहुत बहुत प्यारा कलर है यार, ये तो बहुत प्यारा कलर है, रेड में ही बहुत ही, इसको आप बोलो कि मतलब जब भी मैं इसको लगा के निकलती हूँ यार, एवरीवन कि कौन सी लिपस्टिक लगाई है यार, कौन सी लिपस्टिक लगाई है, ये है NYB की, ये है शेड नंबर 17, ये है शेड नंबर 17 एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर, बुलेट लिपस्टिक है और साथ ही साथ विंटर के लिए बहुत ही सही है। और ये वाली ना बहुत ज्यादा स्मच भी नहीं होती है कि आप बहुत ज्यादा स्मच हो, हार्शनेस ब्यूटी वाली बहुत ज्यादा स्मच हो जाती है, बट ये वाली स्मच नहीं होती है, बुलेट लिपस्टिक होने के बाद भी आपकी उसमें सॉफ्ट रहती है, अच्छे से टिकी रहती है। नेक्स्ट में बात करूं तो ये है SQ की क्रेयॉन है और ये भी बहुत ही सही है यार, ये है शेड नंबर 16, ये है शेड नंबर 16 और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड कलर है, वन एप्लीकेशन में आपको, वन स्ट्रोक में आपको ये रिजल्ट दे देता है, वन स्ट्रोक में आपको ये कर देता है और काफी देर तक टिकी रहती है ये लिपस्टिक, बहुत ही सुंदर रेड कलर में है और ये रेड कलर आपकी जाएगी जैसे कुछ टमाटरी कलर होता है ना, तो ये रेड कलर कुछ उसमें चला जाएगा। फिर मेरे पास है NYB का ही क्रियोन है इन द शेड नंबर 6, प्ले ऑफ चैंपियंस शेड नंबर 6, इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर, ये भी बहुत ब्यूटीफुल रेड कलर है और बहुत ही ज्यादा वन स्वाइप का है, ये आपको वन स्वाइप में रिजल्ट देगा यार। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ यार कि आप ये वाला लिप क्रियॉन जरूर ले लो, अगर आप ढूंढ रहे हो कोई ऐसा लिप क्रियॉन जो कि वन स्ट्रोक में है, मतलब सोचिए विंटर है, बाकी कुछ लिपस्टिक्स ड्राई हो रही है बट ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो रही है, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन, जैसे मैंने यहां देखा, आप ये देखो आप, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन होती है यार, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन होती है, बहुत स्मूथ है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, तो मैं ये हाईली रिकमेंड करती हूँ जो बजट फ्रेंडली देख रहे हैं लिपस्टिक, रेड कलर चाहते हैं, ये फेयर स्किन टोन वालों पे बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज गो फॉर इट, इट इज शेड नंबर 6। नेक्स्ट मेरे पास है, ये भी IM Stamp की है लिपस्टिक और ये है कुछ ऑरेंज शेड में, ये भी आती है और ये मीडियम स्किन टोन वालों पे बहुत अच्छी लगती है और ये है शेड नंबर 4 और इट हैज अ ब्यूटीफुल रेड कलर यार, और रेड ऑरेंज मिक्स है, ये बहुत ही ज्यादा रेड और ऑरेंज मिक्स है, ये आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए आप, इट हैज ब्यूटीफुल, और ये पता मेरे को लग रहा है ना कि ये खत्म भी होगी, मैंने इसको इतनी लगा डाली है, ये है कुछ इस टाइप से है, कुछ ऑरेंजी सी है, रेड में ही आप कह लो, प्योर ऑरेंज नहीं है बट रेड और ऑरेंज कुछ मिक्स टाइप की है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, आप देख लो लिक्विड लिपस्टिक है, कहीं टस से मस नहीं होने वाली यार, लगाओ और छुट्टी पाओ, छट दे सब और बिल्कुल बहुत ही कोई टेंशन नहीं है यार, खाओ पियो मस्त रहो, लिपस्टिक आपकी कहीं नहीं जाने वाली। नेक्स्ट जो है वो है पर्पल की मिनी लिपस्टिक, मैंने ट्राई की थी ये, इसका अभी मैंने इसका रिव्यू भी नहीं दिया है, ना डेमो दिया है ना रिव्यू दिया है, बट चूंकि रेड कलर की है और मेरे पास रेड कलर की बहुत है, क्योंकि मुझे भी रेड कलर की लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैंने जो है थोड़ी सी अभी इसका रिव्यू डेमो नहीं दिया है और ना ही मैंने इसको अभी तक एक को बार अप्लाई किया, आई थिंक दैट अप्लाई किया है कि नहीं किया मुझे याद नहीं है, शायद शादी में गई थी तो अप्लाई किया नहीं किया, तो ये मैंने नहीं अप्लाई किया, तो इसका रिव्यू बाकी है, फिर भी मैं आपको बता दूं इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर और मिनी है, इसके भी बड़े आते हैं बट मैंने सोचा यार मिनी, और ये थोड़ी सी कॉस्टली है, आई थिंक दैट ये 200 कुछ की है, 200 है, 199 रुपीज रिटेल प्राइस है बट आपको सस्ती मिल जाएगी मिनी लिपस्टिक, बड़ी वाली 300 कुछ की है, ये मिनी लिपस्टिक आपको, मिनी लिपस्टिक है तो वो आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी
एंड शीट नंबर है, इट हैज शेड नंबर 4. ये आपको शेड नंबर 4 आपको मिल जाएगा इसमें. और छोटू सी है यार, बहुत छोटू सी है. एंड इसके साथ जो इसका अप्लीकेटर है वो भी बहुत छोटू सा है, तो इससे आपको क्या, आप लिपस्टिक लगाने में, होल्ड करने में आपको आसानी रहेगी. तो ये है इसका स्वैश, मैं दिखा दूं. ओह माय गॉड, इट इज सो ब्यूटीफुल. मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ यार, आप ये वाली जरूर लीजिए, देखिए आप. एंड इट हैज वेरी स्मूथ, बहुत ही ज्यादा स्मूथ इसका फॉर्मूला है. एंड इट हैज वेरी ब्लड रेड. फेयर स्किन टोन वाले हैं, जिनकी फेयर स्किन टोन है तो उनके उनके मेकअप में ये चार चांद लगा देगी. इट हैज सो ब्यूटीफुल. मतलब 200 है, बट 200 का नहीं, उसके और सस्ता मिल जाएगा आपको. तो आई थिंक दैट ये बहुत ही सही है. 150-175 रुपीज की आपको मिल जाएगी, और बहुत ही स्मूथ एप्लीकेटर, और साथ में बहुत छोटू सा एप्लीकेटर, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी. तो ये है मेरा कलेक्शन, छोटू मोटू सा जो भी कलेक्शन है. और ये है मेरी जो लिपस्टिक्स मैं अप्लाई करती हूँ, जो कि जो मुझे अच्छी लगती हैं, तो वो मैंने आपको सजेस्ट करी है, वो मैंने आपको बताई है. इन सब की परचेज लिंक मैं वन बाय वन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जो भी अगर आपको लिपस्टिक अच्छी लग रही है और आप कंफ्यूज हो कि अरे यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है बट मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी है, तो आप मेरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं लिपस्टिक के शेड्स भी आपको साथ ही साथ बताती चल रही हूँ. और मेरे गिव अवे चल रहा है मेरे चैनल पे, प्लीज एक बार जरूर चेकआउट करिएगा. आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे हो, हेल्पफुल लगे हो, लगा हो. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज आई हैव अ रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहो. और आप कर सकते हैं मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय, टेक केयर.